हो जाएगी, वो अपने आप हो जाएगी, मुझे दिखाई देती है। हाँ, गुड आज की इस मॉर्निंग परिचर्चा हेलो। में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड डिपार्टमेंट मॉर्निंग ऑफ सर। संस्कृत पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स विभाग एसटी कॉलेज अम्बाला कैंट और आरकेएसटी कॉलेज कैथल, इन दोनों कॉलेजेस के द्वारा संयुक्त रूप से आज की ये परिचर्चा आरंभ की जा रही है और उसमें आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेकिन ये स्वागत के पीछे छिपे हुए जो भाव और विचार हैं बहुत ही डिस्टर्बिंग हैं और इसलिए इसको हमने बहुत जल्दी में, और बल्कि यूं कहना कि एक वैचारिक दबाव जो हमारे ऊपर पैदा हुआ है मीडिया की रिपोर्ट्स के द्वारा और अन्य साधनों से, जो हमें पता लगा है कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है और जो तालिबान कर रहा है, उस सारी बातों का प्रभाव इतना अधिक हुआ कि इस विषय के ऊपर चर्चा किए बगैर हम लोग रह नहीं सकते थे। निश्चित रूप से ये संस्कृत विभाग, पॉलिटिकल साइंस और बाकी सब डिपार्टमेंट्स के लिए ये बड़ा एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है, डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है, डिस्टर्बिंग हैपनिंग है। लेकिन इशू ये है कि हम लोग इस विषय को देखते कैसे हैं। कर तो शायद हम ना भी कुछ ना भी कर पाए, लेकिन समझने के लिए तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अनावश्यक दबावों से हम बचे रहें। जब तक समझ में नहीं आता, तब तक आदमी एक भावात्मक और वैचारिक द्वंद्व में उलझा रहता है और उसका तनाव और दबाव वो झेलता रहता है। तो इसलिए हम लोगों को ये लगा कि इस विषय के ऊपर कम से कम अभी हम एक परिचर्चा कर लें, बातचीत कर लें, समझने की कोशिश करें और उसमें अपनी दृष्टि को निश्चित करें कि हमें इस सारी स्थिति को देखना कैसे है। एक तो तरीका सामान्य रूप से यही रहता है जो हम देखते आए हैं, पिछले कई वर्षों से देखते आए हैं, कि जब बिल्ली सामने आती है और कबूतर की तरह हम आंखें बंद कर लेते हैं या गर्दन नीचे झुका लेते हैं नॉट और ऑडिबल कहते हैं कि सर। समस्या है ही नहीं कोई। एक स्थिति तो ये है हमारी। दूसरी स्थिति है कि हम उस स्थिति को सही सही समझें और तदनुकूल प्रतिक्रिया और प्रतिसंवेदन करें, रिएक्ट करें और रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करें उस सिचुएशन को। तालिबान का भारत के दरवाजे पे तक पहुंच जाना अफगानिस्तान के माध्यम से, और जबकि चाइना और पाकिस्तान आपके दो शत्रु देश जो हैं वो बिल्कुल साथ चिपके हुए हैं, बिल्कुल उनके बॉर्डर्स लगे हुए हैं, एक और LOC है, एक तरफ LAC है। तो इन दोनों के बीच में हम लोगों की, अब हम शब्द जो है ये मेरे लिए एक बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है, ये हम लोगों के लिए अभी मैं प्रयोग कर रहा हूं कि हम लोगों को क्या करना है और हमारा आगे का कोर्स ऑफ एक्शन या हमारी समझ या आगे की डिप्लोमेसी या आगे का पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या होगा। हम शब्द जो कंफ्यूजिंग जब मैं कहता हूं तो मुझे इसलिए कंफ्यूजिंग कहता हूं क्योंकि एक तरफ तो हिंदू का पर्सपेक्टिव है, एक तरफ इस्लामिस्ट मुस्लिम्स का पर्सपेक्टिव है, फिर बीच में और बहुत सारे सेकुलर और कम्युनिस्टों के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, वो कैसे इन सारी सिचुएशंस को देखते और समझते हैं। तो कुछ एक बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा और उसके बाद मैं डॉक्टर चिमनलाल जो अध्यक्ष हैं राजनीति विभाग, राजनीति शास्त्र विभाग के, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो ओपनिंग डिबेट के लिए जो एक आवश्यक चीजें हैं उनके ऊपर वो आप लोगों के साथ सोशल साइंटिस्ट की दृष्टि से चर्चा करें। लेकिन मैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की ओर से कुछ एक बातें, आप मुझे सामान्य नागरिक समझ लें, उस दृष्टि से मुझे क्या महसूस हो रहा है और मैं क्या, मेरे सवाल क्या है, मैं उन लोगों उन चीज बातों को आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्योंकि मेरे लिए ये एक भावनात्मक और वैचारिक द्वंद्व वाली स्थिति पैदा हुई हुई है, तो उसके दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आप ये देखिए कि जैसे कि मैं पहले कह ही चुका हूं आप लोगों से कि वे भारत के किस तरह से इस सीमा के साथ पाकिस्तान
और एलओसी के बिल्कुल कश्मीर के कोने में जाकर के, एलओसी के पास अफगानिस्तान की सीमा लगभग 400 किलोमीटर के करीब छूती है। और ये मुश्किल नहीं होगा कि अफगानिस्तान से जितने भी लड़ाके हैं, जितने भी तालिबानी हैं, वो यहाँ तक हमारे तक पहुंचे और निश्चित रूप से इस देश की व्यवस्था को वो आहत भी करेंगे और डिस्टर्ब भी करेंगे, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये केवल एक देखने के लिए है, समझने के लिए ये नक्शा मैंने, मैप आप लोगों के साथ किया था, ताकि हमें पता हो कि हम किस ज्योग्राफिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल सिनेरियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ सवाल जो डिस्टर्बिंग थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि विल द टेररिस्ट ग्रुप बी रिकग्नाइज बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स बाय किकिंग द एस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये अभद्र शब्द मैं इसीलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आजकल अंग्रेजी का लेवल तो यही हो गया है कि जिस तरह की बहसें हम देखते हैं मीडिया के ऊपर और बाकी सारी चीजें जिस तरह की अखबारों में आ रही हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है, तो उन्हीं की भाषा में ये शब्दावली मुझे इस्तेमाल करनी पड़ी। और ये मुझे लगता है कि देश का, मनुष्यता का बड़ा भारी दुर्भाग्य होगा कि एक टेररिस्ट आतंकवादी जो ग्रुप है, संगठन है, उसको सारी गवर्नमेंट्स धीरे धीरे करके उसको लेजिटिमाइज कर देंगी, उसे मान्यता प्रदान कर देंगे। और चाइना ने तो कर ही दी है, पाकिस्तान ने भी कर दी है, लेकिन इनके प्रभाव क्या होंगे और ये कौन सी दिशा है मनुष्यता की जिसको हमने पिछले यूएनओ बना करके और हम बड़ा दावा करते रहे कि अब मनुष्यता सुरक्षित होगी। दूसरा सवाल है, हाउ अमेरिकन वुड बी फूल्ड बाय देयर ओन प्लान रिटीज। 20 साल झक मारता रहा अमेरिका वहां पर और उसके बाद इस तरह से अपने मुंह पे एक तमाचा खा करके वहां से निकला, और मुझे लगता है कि सारे अनअवेयर पकड़े गए होंगे क्या, कि उनको पता नहीं होगा इतनी इंटेलिजेंस है, इतना सब कुछ है, और उसके बावजूद वो लोग अनुमान न कर पाए, प्रोटेक्ट ही ना कर पाए, तो ये कैसे संभव है। और इस तरह से सारे अफगानिस्तान को एक लर्च में छोड़ करके चले जाना, ये कौन सा तरीका था अमेरिकन का जो अपने को सबसे एडवांस कंट्री और ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहता है। तीसरा जो सवाल बहुत डिस्टर्बिंग संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए है, हाउ इस्लामिक वर्ल्ड इज रिएक्टिंग, डू दे केयर फॉर एनीवन इंक्लूडिंग सेकुलर हिंदूज। सेकुलर हिंदू शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि सेकुलर हिंदुओं ने तो बात ही यहाँ से शुरू की है कि जब तक हिंदू टेरर जो है उसके साथ हम तालिबानी टेरर को कंपेयर नहीं करेंगे, तो तालिबानी टेरर के ऊपर बात करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आम हिंदू की कोई राय नहीं है, आम हिंदू अपनी तरह से सोचता है, और सेकुलर हिंदू जो है वो हमें बताता है कि भाई हिंदू जो है, हिंदुत्व वो टेररिज्म के इक्विवेलेंट है, और उसको आप तभी, अगर हिंदू टेररिज्म के ऊपर बात करेंगे तभी आप तालिबान टेररिज्म के ऊपर बात करने के योग्य हैं। एक जो बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि उसको आप लोग अपनी डिस्कशन में लें जब आप चर्चा आरंभ करें, हु इज सप्लाइंग आर्म्स, एम्यूनिशन, राशन, व्हीकल्स, लॉजिस्टिक्स टू द तालिबान एंड हाउ। जिस तरह से वो फायरिंग करते हैं, जिस तरह से बुलेट्स को यूज किया जा रहा है, एम्यूनिशन यूज किया जा रहा है, कोई तो उनको सप्लाई कर रहा होगा, कहीं से उनको ये राशन आ रहा है, कहीं से ये सारी सप्लाई कहाँ से आ रही है, और क्यों नहीं उसको देखा जाता, क्यों नहीं मीडिया में उसके बारे में बात होती। पांचवा क्वेश्चन जो मैं चाहता हूँ कि इस डिस्कशन में लें और आप लोगों की अपनी अपनी जो ओपिनियंस होगी, हाउ यूरोपियन गवर्नमेंट्स विल कम आउट ऑफ दिस शॉक एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन देयर ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट्स। इतना जो वो तामझाम खड़ा किया हुआ था, आज उस ह्यूमन राइट्स का वो क्या करने जा रहे हैं। और छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। एक आध देखा लेकिन बाई एंड लार्ज चुप हैं ना, वो कंडेम कर रहे हैं, और अगर वो चुप हैं तो उसका क्या अर्थ समझा जाए और कैसे वो इस सारे मसले को ले रहे हैं तालिबान को। और एक जो सवाल और है कि हाउ हिंदू शुड एसेस दिस डेवलपमेंट, क्योंकि तालिबान और मुस्लिम कंट्रीज जिस तरह से बढ़ रहे हैं और जिस तरह से और आगे की डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अगर आप हिंदू हैं, क्योंकि मैं अपने लिए हिंदू शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, लेकिन क्योंकि पॉलिटिशियंस ने, पॉलिटिकल डिस्कोर्स ने
हमें डिवाइड कर दिया है कि हिंदू और मुस्लिम में डिस्कोर्स में डिवाइड कर दिया गया है और इस तरह का एहसास दिला दिया गया है। तो मुझे लगता है कि हिंदू होने के नाते भी मुझे सोचना होगा, सिटीजन होने के नाते सोचना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन हिंदू होने के नाते तो मुझे लगता है सोचना ही होगा। हाउ लास्ट क्वेश्चन है, हाउ सेकुलरिस्ट कम्युनिस्ट एंड अदर कॉन्स्टिपेटेड मीडिया व्यूइंग दिस हैपनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू टेररिज्म। ये मैं बात आप लोगों से कर ही आया हूँ, लेकिन जिस तरह की डिबेट्स लगातार अब आ रही हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चीजें देखने को मिल रही हैं, तो किस तरह से एक अपोलोजेटिक तरीके से बातें की जा रही हैं तालिबान की ओर, कि भाई ये तालिबान जो है 2.0 है और ये बड़ा हम्बल है और ह्यूमन राइट्स की ये इज्जत करेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं और आप लोगों की बात निश्चित रूप से हम लोग सुनना चाहेंगे। एक बार पिछली स्लाइड दिखाइएगा, एक पिछली स्लाइड में एक बात कहनी रह गई थी, बैक बैक करिएगा, नहीं आई नहीं, बैक बैक, हाँ फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड नहीं, इस पे नहीं शो हो रही। ओके, फर्स्ट स्लाइड में मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना उसमें रह गई थी कि जो तालिबान है उसके दो पंख हैं, दो हाथ हैं। एक तरफ वो शरिया लॉ जो बेस्ड विच इज बेस्ड ऑन दियोबंदी फंडामेंटलिज्म, ये बात समझने वाली है, और पॉलिटिकल साइंटिस्ट जितने भी सोशल साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि वो इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे, इस बारे में बात करेंगे कि शरिया लॉ बेस्ड ऑन दियोबंदी फंडामेंटलिज्म उसका एक पक्ष है, तो दूसरी ओर मिलिटेंट इस्लामिज्म जो है वो उनका पक्ष है। तो तालिबान इन दो के बीच में है। ज्यादा व्याख्या में मैं नहीं जा रहा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तालिब का अर्थ क्या होता है, स्टूडेंट, और तालिबान शब्द किस तरह से वो अपने अर्थों को देता है। हालांकि तालिबान का मतलब होता है दो स्टूडेंट्स, लेकिन उसको हम प्लूरल में यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैडम ले आइए। और एक जो रिस्पांस हमें मिला है वो मिला है मेजर जनरल AK शोरी से। उन्होंने वो हालांकि ज्वाइन तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी जो कुछ एक बातें हैं वो अपने कंसर्न वो हमारे साथ शेयर किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। और उसके बाद डॉक्टर चिमनलाल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपसे बात करने के लिए। उन्होंने अपने जो कंसर्न शेयर किए हैं वो है यूएस इंटरेस्ट सुपर पावर सिंड्रोम इन एशिया, सो कॉल्ड चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड लिबरलिज्म, एंड तालिबान वन बिकॉज ऑफ मासिव करप्शन इन अफगान आर्मी हैविंग बोगस सोल्जर्स ऑन पेपर ओनली अनएबल टू रिजिस्ट हार्ड कोर फंडामेंटलिस्ट एंड इंडिया इज इन ए फिक्स नाउ। ये उनका एक कंसर्न था। दूसरा उनका कंसर्न है, चाइना हैज पुट पाकिस्तान अंडर ह्यूज डेब्ट ट्रैप, हैव टू सी हाउ चाइना रिएक्ट्स टुवर्ड्स तालिबान, चाइना विल पुश इट्स ओवर प्रोजेक्ट टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया फॉर विच इट माइट नीड तालिबान, वरीज फॉर इंडिया एंड इंडियन डिप्लोमेसी इज इन फिक्स नाउ। और थर्ड उनका कंसर्न है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिंस 1947 हैज बीन सॉर्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नो कमिटमेंट टू एनी पावर ब्लॉक, ट्राइंग टू बी गुडी फॉर एवरीवन एंड प्रेजेंटली दे आर इन ए कंफ्यूज सिनेरियो। चौथा कंसर्न जो उन्होंने लिख के भेजा हमें, तालिबान हैज गॉट अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्स एंड अम्यूनिशन विद अफगान आर्मी एंड विल बी यूजिंग इट ऑफ कोर्स टू डिफेंड देमसेल्व्स, दे आल्सो नो दैट दे कैन नॉट कंट्रोल द होल वर्ल्ड बट विल श्योरली ट्राई टू कंट्रोल अफगानिस्तान फुली एंड कंप्लीटली। और लास्ट उन्होंने जो बात हमारे साथ शेयर की है, और उसके बाद चिमनलाल जी अपनी बात रखेंगे आप लोगों के साथ, एंड रिमेंबर व्हाट KP मिश्रा एन अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेड व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। वो अपना रेफरेंस दे रहे हैं, एवरी कंट्री हैज ओनली वन इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट इन इंटरनेशनल एरेना, दैट इज इन नेशनल इंटरेस्ट, एंड क्लूलेस पॉलिटिशियन कैन नॉट विजुअलाइज अ नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स विच इज जस्ट लाइक ए चेस गेम। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये एक मैंने ब्रीफ आउटलाइन जो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है।
और मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर चिमनलाल जो हेड हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, कि वो ब्रीफली अपनी अपना पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर करें और उसके बाद हम लोग जो है वो ओपन हाउस डिस्कशन की ओर चलेंगे और आप लोग अपनी अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, साझे कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। डॉक्टर चिमनलाल जी, थैंक यू आशुतोष सर, नमस्कार सभी को, और आर के गुप्ता जी और अशोक अत्री जी और अन्य सभी स्कॉलर्स जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका एक बार पुनः स्वागत है। हर दिन 25 मौतें और 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च, बीते लगभग 20 वर्ष से अफगानिस्तान में यही चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ या हो रहा है उसने दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों को परेशान करके रख दिया है। जब इस्लामिक कट्टरपंथ अफगानिस्तान से जागेगा, पैसा चाइना और पाकिस्तान से आएगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस जब रूस करेगा और उसके साथ ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की खड़ा रहेगा, तो भारत की सीमा पर और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में क्या हालात होंगे, यह एक अत्यंत विचारणीय प्रश्न है। पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि जो स्थिति काबुल एयरपोर्ट की हो रही है, वहां पर तालिबानी अपनी मर्जी से लूटपाट कर रहे हैं, प्रशासन को चला रहे हैं, यह स्थिति न केवल भारत अपितु विश्व जनमत को भयावह करने वाली है। 21वीं शताब्दी का एक सच यह भी है कि 21वीं शताब्दी के शुरुआत में ही अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि जो हमारे साथ खड़ा है वो हमारा दोस्त है और जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है, और उसके निशाने पर था अफगानिस्तान। 9/11 के बाद 2001 से लेकर 2021 तक का सफर, अफगानिस्तान के संदर्भ में कितनी मौतें हुई, कितना खून बहा, कितना पैसा बहा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यह किसी भी युद्ध की विभीषिका से बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। प्रश्न भारत का है। भारत की सीमा पर पाकिस्तान है जो इस समय सबसे ज्यादा मजबूती के साथ तालिबान एवं अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। जब पूरी दुनिया के लोग तालिबान की आलोचना कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें को तोड़ फेंका है। वास्तविकता तो ये भी है कि अफगानिस्तान में तालिबान का नहीं बल्कि आईएसआई का शासन स्थापित हो रहा है। आईएसआई के पीछे पाकिस्तान खड़ा है तो पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा दिखाई दे रहा है। चीन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। इसी बीच रूस ने भी कहा है कि वो अपने राजनयिक संबंध बंद नहीं करेगा, जबकि बहुत सारे देश अफगानिस्तान से अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ रहे हैं। भारत ने भी परसों ही अपने विशेष विमान से 130 नागरिकों को वापस बुलाया है और शेष सभी भारतीयों को वापस बुलाने के लिए प्रयासरत है। अमेरिका ने भी काबुल हवाई अड्डे को अपने कब्जे में ले रखा है ताकि उसके सभी नागरिक कुशलता पूर्वक वहां से निकल सके। भारत ने अत्यधिक पूंजी अफगानिस्तान के विकास कार्यों में लगाई है। अब उन विकास कार्यों का क्या होगा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान में भारत के संबंध अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ अच्छे नहीं कहे जा सकते, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, चीन हो या श्रीलंका हो। अमेरिका के साथ भी वर्तमान में भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। ट्रंप के बाद जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने एक लेख में लिखा कि जम्मू कश्मीर के संबंध में जो नीतियां भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार ने बनाई है वो बहुत अच्छी नहीं है। पिछले लगभग 20 वर्षों में अफगानिस्तान में लगभग 1,75,300 मौतें हुई, लगभग 1,083 बिलियन डॉलर खर्च हुआ। इन मौतों में लगभग 52,000 आम नागरिक, 69,000 सैनिक, 51,000 तालिबान और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सैनिकों की संख्या लगभग 4,000 थी। इतने खून खराबे और खर्च के बावजूद भी वहां वर्तमान में क्या हो रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। भारत के समक्ष CAA और NRC जैसी चुनौतियों ने भी भारत की चिंताएं और बढ़ा दी है, क्योंकि इन सभी मुद्दों के कारण भारत के एक विशेष समुदाय कुछ आक्रोश में है। ISI के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ नजदीकी संबंध है।
भारत की यह सबसे बड़ी समस्या है कि इन आतंकवादी संगठनों को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की जो बात कल तक हो रही थी वो बात अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ चीन एवं रूस आदि देश साथ खड़े हुए हैं। ये सभी देश अपने अपने देशों में तालिबान को पनाह देंगे तो ऐसी स्थिति में भारत क्या करेगा, यह एक सबसे बड़ी चुनौती है। साउथ ईस्ट एशिया का यह वातावरण भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगा, यह एक सोचनीय विषय है। भारत को आज एक ऐसे स्टेट्समैन की जरूरत है जो आंतरिक राजनीति को समझते हुए तथा अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति को देखते हुए इस भयावह स्थिति के साथ सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित कर सके, क्योंकि भारत के समक्ष इस प्रकार की चुनौतियां न केवल बाहरी स्तर पर है अपितु आंतरिक स्तर पर भी भारत को इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी विषयों पर ही चर्चा करने के लिए आज के इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। आप सभी इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित है और आप सभी का स्वागत है। और अंत में मैं अपनी वाणी को दो पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ भी बनना बस किसी अफगानिस्तान की जिंदगी में अमेरिका मत बनना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सही है। लेकिन अमेरिका ने तो हर जगह टांग फंसाई है और सब जगह जो है वो अपमानित होकर के ही लौटा है, चाहे वो वियतनाम रहा है, चाहे वो इराक रहा है, या और अफ्रीकन कंट्रीज में भी कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत टांग तो रही है, और अब अफगानिस्तान में तो कितना ह्यूमिलिएशन ही है मैं तो कहूँगा अमेरिका की, और दुनिया की जो सुपर पावर है वो ह्यूमिलेट हो रही है सब जगह, फिर भी वो पास नहीं आते। तो ये चर्चा आप सभी के लिए ओपन है, ओपन हाउस डिस्कशन है। इसमें ये मत आप विचार कीजिएगा कि हम लोग कोई लेक्चर्स दे रहे हैं, आप लोग अपना सवाल रख सकते हैं, अपना कंसर्न रख सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में रखे कुछ सवालों के माध्यम से, और कोई टिप्पणी करना चाहते हैं या जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, या आपने कोई इस विषय के ऊपर कोई स्पेशलाइजेशन की हुई हो तो आप लोग हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बस समय सीमा का और शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप लोग हमारे साथ कोई भी अपना परिचय दीजिए और अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम लोगों ने जितनी भी आप लोगों के साथ बातें की हैं वो केवल एक भूमिका के रूप में की हैं, अपनी चिंताएं साझी की हैं, और मैं तो स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि इस सारी स्थिति को समझने और जानने के लिए तालिबान के साथ बल्कि इस्लामिक जो मानसिकता है उसको हैंडल किस तरह से करना है, और निकट भविष्य में अगर हम ये सोचें कि इस्लाम का वो प्रभाव पहले वाला वो यहाँ तक नहीं आएगा तो ये एक अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, यहाँ के लोगों को किस तरह से इस सारी स्थिति को, पहली बात है मूल्यांकन कैसे करें, कैसे समझते हैं, अगर इस बात ने आप लोगों को डिस्टर्ब किया है, आप लोगों को प्रभावित किया है अफगानिस्तान की स्थितियों ने, और अपने आप को भारत में देखते हुए आप लोग अपनी अपनी राय अपने विचार दे सकते हैं। हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन, एनीवन प्लीज फील फ्री। मुझे मालूम है कि इस तरह की चीजें सामान्य रूप से वेबिनार में नहीं होती हैं, और एक लेक्चर होता है और अंत में जाकर के फिर कुछ दो तीन सवाल जवाब हो जाते हैं, लेकिन हमने इसीलिए स्पेशली ये जो है ओपन हाउस डिस्कशन रखा है ताकि आप लोग अपनी चिंता को, अपने विचार को, अपने परसेप्शन को हमारे साथ साझा कर सकें। सो एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड शेयर हिज और हर थॉट्स। सुदर्श जी, सदानंद जी, जी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड प्लीज कैन आई जस्ट टेल ऑल दीस थिंग्स व्हाट वाज हैपनिंग ओवर द लास्ट 7 to 10 days, इट इज इन द बैकग्राउंड ऑफ द फॉलोइंग, आई विल जस्ट लिस्ट इट एंड लीव फॉर द अदर्स टू डिस्कस फर्दर। श्योर वन थिंग सर just introduce yourself first because most of the people I don't know, though I know you, yes. But it will be good for other people. I am
Dr. K. E. Sadanandan Unni. My experience is in the field of child and adolescent mental health, child and adolescent psychiatry, and child and adolescent psychology. But I am taking an interest in philosophy and international politics. Sir, your voice is lost. The holidays, etc. Okay. Now, coming to, is it enough, sir, for as an introduction? Yes, yes. Definitely. Okay. Now, we have to understand that over the last 7 to 10 days, what is happening in our neighbor's neighborhood? It is happening in the background of the following. I am viewing the whole thing globally. Vasudeva Kudumbakam, on that basis. Resources on our planet are decreasing or declining, especially the natural resources, or getting changed to non-usable state. That is, agricultural land is becoming dry and becoming desert-like, desertification. Agriculture as such in many countries, at least 10 I can count without looking at any reference book, currently they are undergoing drought, they are undergoing wildfire in the foresty areas, and there is water deficiency in both developed and developing countries, and many millions are hungry in different countries. They are not able to have 2 square meals per day. Wildfires are raging and many are not able to control, both developed and developing countries. It is happening. And in this background, we have to look at this particular phenomena which has suddenly got exploded in the neighbor's neighborhood. Let us discuss further. Thank you. Okay, thank you, Sadananji. You have given a different dimension to this problem, this issue. So that is also a point to be noticed. Ashok ji. Namaskar, sir. Namaskar. Dr. Ashok Khatri, RKSD College, Kethal, se, Associate Professor in Political Science. पहले तो आपको बधाई कि एक अलग तरह का आपने इस मुद्दे पे ये प्रोग्राम कराया है, समथिंग डायनेमिक और क्रिएटिव ये क्रिया है, आपको बधाई एक बार सिर्फ। और जहाँ तक मेरी बातों की दो दो चार बातें मैं कहना चाहूँगा, मैं इसको एक दूसरे एंगल से देखता हूँ कि कंसर्न की बात हो रही है, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मुझे लगता है कि अब ये राइट जगह है, ये जो अफगान प्रॉब्लम पहुंची है, यहाँ डिप्लोमेसी के लिए नए रास्ते, अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुले हैं। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं, एज ए स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी में बात कर रहा हूँ। तो मुझे देखिए, कंसर्न तो रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें दूसरे की तरफ देखना पड़ेगा कि इस समस्या ने जो अभी उभरी है, भारत को कुछ अपॉर्चुनिटीज भी दी है। तीन चार जो बातें मैं करना चाहूंगा, जैसे मैं अपने मित्रों में भी सुनता हूँ कि भारत ने इतना, आप यहाँ भी बात आई है भाई, इतना पैसा वहां इन्वेस्ट किया है, वेस्टेज है, ये बातें कहते हैं। दूसरा दूसरा कंसर्न जैसे उठता है कि कश्मीर के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा बहुत ज्यादा। तीसरा जो कंसर्न उठता है कि चीन और पाकिस्तान का एक्सेस बनेगा। मैं इन्हीं के कंटेक्स्ट में मुझे जो अपॉर्चुनिटी नजर आती है, मैं उन पे विचार अपनी बात रखना चाहूंगा। जी, पहली बात तो जो इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, अगर आप इसको एक दूसरे नजरिए से देखें, तो जो अगर इन्वेस्ट की बात आती है, तो तीन जगह भारत का मुख्य जहां इन्वेस्ट हुआ है, पार्लियामेंट का बनाना, सलमा डैम का बनाना, और तीसरा जो ईरान को जोड़ने वाला हाईवे है। इन वैसे तो और भी है, लेकिन ये तीन बड़े एरिया हैं जहां भारत ने इन्वेस्ट किया है। और ये अगर इन तीनों को अगर हम ये देखें कि भारत की डायरेक्ट बेसक वहां आप पहुंच ना हो, लेकिन ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जिनके प्रभाव को, चाहे फ्यूचर में कोई भी सरकार आए, तालिबान के आए, कोई भी आए,
लेकिन जब वो पार्लियामेंट का यूज करेंगे तो एक बात साइकोलॉजिकली ये रहेगी कि इंडिया ने बनाया है, दूसरी बात सलमा डैम वो बिजली और पानी वो चीज भी कहीं ना कहीं ये माइंड में रहेगी कि ये इंडिया ने डेवलप किया है। तीसरा कनेक्टिविटी का इशू है, जो रोड बनाया गया है वो इंडिया ने, वो भी कहीं ना कहीं भारत के प्रति चाहे वहां के आम जनमानस में डायरेक्टली और जहां तक तालिबानी गवर्नमेंट के माइंड में इनडायरेक्टली ऑलवेज प्रभाव छोड़ता रहेगा कि इंडिया ने बगैर किसी पैटी इंटरेस्ट की चीजें बनाई हैं और ये चीज कहीं ना कहीं ऑलवेज इंपैक्ट डालती रहेगी। दूसरी चीज जो बात आती है कि अगर हम बात करें कि कश्मीर के ऊपर इसका इम्पैक्ट लोग कह रहे हैं, कश्मीर के ऊपर तो ऑलरेडी बहुत इम्पैक्ट है पाकिस्तान का टेररिज्म का, इसीलिए नो टॉक की बात हो रही है। ये चीज इंडिया को एक और चीज पैदा कर रही है, अब तक मोदी गवर्नमेंट कुछ भी वहां इनिशिएटिव लेती थी तो उसका कोई परमानेंट आधार नहीं था, चैलेंज होता था, आलोचना ही होती थी, लेकिन ये चीज गवर्नमेंट को एक बहुत ही एक ऐसा बेस आधार प्रदान कर रही है कि जहां मोदी गवर्नमेंट एग्रेसिवली अगर कोई टेररिज्म की या इस तरह की कोई पैन मूवमेंट की या तालिबानी मूवमेंट का इम्पैक्ट आता है तो एग्रेसिवली उसको अब अगर गवर्नमेंट उसका को चैलेंज करती है, रोकती है, तो कोई आधार नहीं बनता आलोचना का। ये चीज भी भारत को एक मैं ये कहूंगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करा रही है। तीसरी बात आती है कि एक और समस्या उठती है कि भाई वहां चीन और पाकिस्तान वो प्रभावशाली हो जाएंगे। मेरा अपना नजरिया है कि अगर पड़ोस में आग लग रही हो, मैं बिल्कुल हरियाणवी टच में बात कहूंगा, तो पड़ोसियों को भी नींद नहीं आती। भारत से ज्यादा तालिबान का वहां होना पाकिस्तान और चीन के लिए खतरनाक है। अब फिर बात आती है कि केवल हम ये विचार करके ऐसे ना बैठें। अब असली इश्यू ये है कि पॉलिसी फॉर्मेशन पे कितना ध्यान सरकारें देंगी। मेरा मानना है कि इस मामले में सरकार बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है और ये अपॉर्चुनिटी का फायदा, इसको ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहूंगा मैं, कंसर्न है सरकार ने और मजबूती के साथ, मुझे ये मानना है इंटरनली अब पॉलिसी फॉर्मेशन बिल्कुल टू द ऑब्जेक्टिव को देके होने चाहिए। कश्मीर के अंदर भी अब आधार मिल गया है हमें उसको, और वहां अपने कश्मीर के ऊपर अपने एरिया को, अपने प्रभाव को जमाने का, यहाँ तक मेरा ये मानना है कि इस चीज का आज इमरान खान कुछ भी कह रहा हो, चीन कुछ भी कह रहा हो, इसका लॉन्ग टर्म, क्योंकि अफगानिस्तान में एंडलेस वार है, ये एंडलेस वार, शांति नहीं होनी, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भारत की बजाय पाकिस्तान और चीन पे होने जा रहा है। तो मेरा ये मानना है सरकार को इंटरनली अपनी पॉलिसी मेकिंग अब मजबूत होने की जरूरत है और मेरा फिर ये विश्वास है कि सरकार ऐसा रहेगी। ये मेरे अपने है। जी जी अशोक जी, आपकी बात बड़ी जेन्युइन है और बड़े आपने महसूस करके ये बात कही है। कंसर्न आपके बिल्कुल आदर के योग्य हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अगर हम पॉलिसीज बनाते हैं और उनको अबलाइज करते हैं तो हो सकता है वो एक सॉफ्ट एंगल जो है वो इंडिया के लिए रखें। लेकिन जितना कि मैं देख पाता हूँ वर्ल्ड ओवर, जहाँ जहाँ भी आपने इकोनॉमिकली चीज़ों को किया है, स्थापित किया, हेल्प की, वहाँ कोई संबंध अच्छे रह नहीं पाए कभी भी किसी भी कंट्री के। वो ईरान इराक के साथ अमेरिका के रहे हों, वहाँ भी उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही थे, यहाँ पे भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहे और अभी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के बहुत सारे हैं, ये गिलगित और बाल्टिस्तान वगैरह को जब हम देखेंगे। लेकिन उससे उनका परसेप्शन कैसे बदलेगा, ये एक मेरी चिंता है। और इसको एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप लोग कैसे देखते हैं, वो जरूर मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आप लोग कमेंट करें, लेकिन वो बाद में लेंगे। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो इस बैलेंस को बनाए रख सकते हैं और इंडिया को एक अपर हैंड देते हैं
कि वो तालिबान को प्रॉपरली हैंडल कर पाएगा। और ऑब्वियसली अभी भी कोई ना कोई बातचीत तो अंदर खाते चल ही रही होगी, क्योंकि वहां से अगर आपने हिंदुओं और सिखों को माइनॉरिटीज को निकालना है तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि भी जो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो, कम से कम ये वाली गवर्नमेंट तो ऐसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं होगा। बाकी क्योंकि हम लोगों की पहुंच केवल मीडिया तक, सोशल मीडिया और ये टीवी मीडिया तक होती है, वहां तो पॉलिटिक्स का कोई अंदाजा मोटा सा होता नहीं है। वो तो लगता है कि पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉलिटिक्स तो बहुत गहरे अंदर कहीं कुछ चल रहा होता है। बट एनीवे, एनीवन एल्स, और कोई अपनी बात हमारे साथ शेयर करना चाहे है ना, वो दोबारा शेयर करना। रोहताश जी, अगर आप अपनी बात कहना चाहें, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, या और कोई अपनी बात हमारे साथ शेयर करना चाहे। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी प्लीज। मैं डॉक्टर रोहताश जिंदगनी दिल्ली से इस विषय पर अपनी बातचीत रख रहा हूँ। देखिए, इस विषय को मैं जो बातें मेरे बड़े भाई अशोक अत्री जी ने बताई, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन मेरा भी एक दृष्टिकोण, जहां तक मैं देख पाया हूं, मुझे ये समझ में आया है कि तालिबान के लड़ाकों ने दोनों सुपर पावर्स को अपनी ताकत दिखाई है, चाहे वो USSR रहा हो, चाहे वह USA रहा हो। लेकिन अमेरिका का अफगानिस्तान से चले जाना मैं तीन दृष्टिकोणों के अंतर्गत देखता हूं। पहला दृष्टिकोण मेरा यह है कि अमेरिका का साथ यूरोप के देशों ने इन 20 सालों में नगण्य रूप में दिया। दूसरा पॉइंट मैं ये देखता हूं कि आर्थिक साम्राज्य की दृष्टिकोण के अंतर्गत अमेरिका का प्रतिद्वंद्वी चीन है, और अमेरिका चाहता है कि जो चीन का शिनजियांग प्रांत है, जो मुस्लिम बहुल है, वहां से वो मुस्लिम चीन में ऐसे उपद्रव मचाए तालिबान के माध्यम से कि चीन की कमर टूट जाए और मैं अमेरिका ही एक साम्राज्यवादी पावर बना रहा हूं या आर्थिक समृद्धिशाली देश बना रहा हूं। इस दृष्टिकोण से मेरा एक व्यक्तिगत मत है कि उसने अफगानिस्तान को छोड़ते हुए तालिबान को ये सत्ता सौंपते हुए इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखा होगा, मेरा व्यक्तिगत मानना है। दूसरा अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रूस को भी भयभीत करने के लिए अमेरिका ने इसको छोड़ा है, क्योंकि जो मुस्लिम विचारधारा के जो संगठन है वो चारों तरफ फैलते हैं, और चारों तरफ जब जब फैलेंगे तब तब वो रूस को भी भयभीत करेंगे। और इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए जहां तक मैं देखता हूं, पश्चिमी एशिया को अमेरिका ने फिर दोबारा अखाड़ा बना दिया, जिसकी भुजा में बल है वो आए और जैसा करना चाहे, जैसा जिसको नचाना चाहे वो नचा सकता है। इसमें चीन और अमेरिका दोनों प्रतिद्वंद्वी रहेंगे, जैसा अशोक अत्री जी ने बताया इकोनॉमिक दृष्टिकोण से। इसके आगे जब मैं बढ़ता हूं तो मैं निष्कर्ष पे आता हूं, और अमेरिका ने जो विश्व में उसकी पुलिसमैन की छवि बनी हुई थी उसको भी अपने स्वार्थों के आधार पर धूमिल कर लिया है। उसने अपने स्वार्थों को नहीं छोड़ा, लेकिन अपनी छवि को धूमिल करके इसको अफगानिस्तान को छोड़ दिया। लेकिन अब इस राजनीति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके तीन बिंदु बताकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। पहला, 1971, 1965, 1999 के युद्धों के बाद पाकिस्तान के पास अब ऐसा सुनहरा मौका आ गया है, चीन की मित्रता के साथ वह भारत को लताड़ सकता है, और खासकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। दूसरा, चीन ने, जहां तक मैं समझ पाया हूं एक सप्ताह के अंतर्गत, कि चीन ने ही अफगान सेनाओं को मनाया कि वो तालिबानियों से न लड़े और तालिबान वर्चस्व स्वीकार कर ले, ताकि अमेरिका को यहां से खदेड़ा जा सके और मैं तालिबानों को, अफगानों को पाकिस्तान के माध्यम से भारत के मोदी के नाक में नकेल डाल सकूं।
ऐसा मेरा खुद का समझना, शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं इस दृष्टिकोण को ऐसे रूप में देख रहा हूँ। इसका सीधा साधा उदाहरण ये है कि यूएनओ में की सुरक्षा परिषद में चीन ने हमेशा ही मौलाना अजहर का साथ दिया है, उसको प्रतिबंधित नहीं होने दिया है। ये बात इस बात को पुख्ता करती है कि चीन इस बात में शामिल है कि अफगान में तालिबान रहे, और तालिबानियों का मुंह इस सारे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पश्चिमी एशिया की बंदूक भारत की छाती की तरफ कर दी गई है। उसमें अमेरिका का भी अपना स्वार्थ है और उसमें चीन का भी अपना स्वार्थ है। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले दो बातें और कहना चाहूंगा। मोदी सरकार और मोदी का व्यक्तित्व और मोदी की पिछली पृष्ठभूमि देखते हुए मुझे ये समझ में आया है कि इस परिप्रेक्ष्य में मोदी लाठी और दीवार के बीच में खड़े हैं। ये हिंदुत्व ने समझना है और ये आगे अपना दृष्टिकोण बनाना है। भारत के संदर्भ में भी जो आशुतोष जी ने प्रश्न उठाया था कि सेकुलरम हिंदू और ये भारतीय मुसलमानों का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उस परिप्रेक्ष्य में हमने मोदी सरकार का साथ देकर इस परिप्रेक्ष्य में अपनी रणनीति बनानी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रोहताश जी, अच्छी तर्क संगत बात आपने कही है और एक नए डायमेंशन आपने हमारे सामने लाए हैं। अशोक जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी थी वो एक अलग डायमेंशन थी, और आपने ये एक पॉलिटिकल डायमेंशन चाइना और अमेरिका को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से रखी है वो वाकई अच्छी है, प्रशंसा के योग्य है, और इससे मेरी तो कम से कम समझ बढ़ी है आप लोगों को सुनने के बाद। और कोई अपनी बात हमारे साथ शेयर करना चाहें, अपने आप अपना माइक अनम्यूट करके यू कैन शेयर योर ideas or thoughts or your perception, whatever it is. अभी हम जो core issues हैं उनके ऊपर अभी नहीं आ पा रहे हैं, हालांकि तीनों वक्ताओं ने अपने अपने angles दे दिए हैं, लेकिन अभी भी core issues बहुत सारे हैं। कि मुझे एक भारतीय के तौर पे इस सारे perspective को देखना चाहिए, इस सारी happening को देखना चाहिए, या हिंदू होने के नाते देखना चाहिए, मुस्लिम जो है वो कैसे इसको देख रहे हैं, और मान लीजिए कि सन 2050 में ये स्थिति क्या रहेगी, कोई असेसमेंट इस रूप में भी कोई अगर दे सकता है तो मोस्ट वेलकम। एनीवन, आशुतोष जी कोई और बोलना चाहते हो तो पहले मैं चाहूंगा कि वो बोल लें, अपनी बात कह लें। आप कह लीजिए, ये तो ओपन हाउस डिस्कशन है, मेरी ओर से तो इट्स वेरी ओपन। लंबा हो जाएगा थोड़ा, नहीं लंबा टाइम लेना है, लंबा नहीं, अभी तो थोड़ा ना संक्षिप्त सी ही बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन आंसर्स भी आए, कोई अपनी और बात भी, क्योंकि थोड़ा सा संकोच होता है, इस तरह का अभ्यास हम लोगों को नहीं है चर्चाओं का, वो सेमिनार वाला अभ्यास है कि भाई एक जना बोलता रहे बाकी सब सुनते रहे। ये एसके कॉलेज में थोड़े से अलग सी चीजें हैं, यहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि सभी को इन्वॉल्व किया जाए, सुना भी जाए, और सभी मेरा अपनी ओपिनियन है कि मैं बोलूं, मैं चाहता हूँ कि पहले और यंग फेलोज हैं वो बोले तो बेहतर है। मुझे मालूम नहीं सर, अगर ये नहीं कोई ओपिनियन है तो इट्स ओके, आप अपनी शेयर करें फिर अभी और बात आ जाएगी, क्योंकि मेरे तो अभी भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रश्नों से है कष्ट है कि भी इनके उत्तर क्या हैं और सोशल साइंटिस्ट इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं। ठीक है सर, हाँ। मैं रविंद्र कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त प्राध्यापक राजनीति शास्त्र आरकेएसडी कॉलेज से, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विषय मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, मुख्य रूप से मैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और विश्व के जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो मेरे विषय रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भारतीय राजनीति को ना प्रभावित करती हों। मैं अपनी बात, शायद आपको अटपटा लगे आशुतोष जी, आपको तो नहीं लगेगा, बाकियों को लग सकता है ये जो कुछ हुआ है उसके ऊपर एक टिप्पणी आई थी जो बाइडेन की,
कि अमेरिका ने क्यों छोड़ा, और उसके बाद उसने जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने एक बात कही, बैडन को कोट कर रहा हूं सर मैं, जी जी कि वी गेव देम, यानी कि अफगानिस्तान, वी गेव देम एवरी चांस टू डिटरमाइन देयर ओन फ्यूचर, वी कुड नॉट टू फाइट। जॉन बाइडेन अपने आप को जस्टिफाई करते क्या कह रहे हैं सर, कि हमने उनको अफगानियों को अपना भविष्य तय करने के लिए छूट दी, हर मौका दिया, लेकिन हम क्या नहीं दे सके, अपने फ्यूचर के लिए लड़ने की इच्छा शक्ति। तो ये सर जो अभी पहले जब आपने शुरू किया था और एक दो मित्रों ने कहा कि 7-8 दिन में ये सब कुछ हो गया, ये ऐसा सर ये 7-8 दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे हमें दो बैकग्राउंड लेनी होंगी। जी, एक बिल्कुल, जिसका आपने रेफरेंस दिया था आशुतोष जी जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें आपने बोला था देवबंदी इस्लामिज्म, और जिसको आपने तालिबानी टेररिज्म से जोड़ा था, जी चाहे वो बरादर है या असद मजहूर महमूद रहे हैं, ये सब देवबंदी इस्लामिक उससे आते हैं सर, वो अलग विषय हो जाएगा मेरे लिए कि कैसे भी 1866 में बना, लेकिन मुख्य बात यह कि जो देवबंदी इस्लाम है वो कट्टरपंथी है, जो मोटे तौर पर लिया जाता है वो शरिया पे विश्वास करता है। तो इसलिए जब आपने इशू उठाए ह्यूमन राइट्स वगैरह का, तो उससे ह्यूमन राइट्स का कोई लेना देना नहीं है तालिबान का। जैसे बहुत उदाहरण मिल रहे हैं आपको, एक दिन वो एक महिला को एंकर को बनाकर इंटरव्यू देते हैं, अगले दिन उसको हटा देते हैं, फिर फतवे जारी हो रहे हैं कि ऊंची सैंडल नहीं पहन सकती आप, ये नहीं कर सकते। तो ह्यूमन राइट्स की तो आप जो घोषित रूप से है तालिबान इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पर, वो उम्मीद ना करें, लेकिन पूरे विश्व को ये सोचना जरूर पड़ेगा कि जो हम लोकतंत्र की बात करते हो किसी भी देश में, तो ये कहां तक चल पाएगा। एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो इससे भी जो खतरनाक मेरे को लगी है पिछले 2-3 दिन में, मैंने देखा जब आपने बात की थी इस्लामिक व्यू ऑफ इंडिया की बात, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारी कि हमने एक ऐसा नैरेटिव बना लिया कि यदि आप किसी भी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को सपोर्ट करते हैं तो आपको मुस्लिम वोट मिल जाएगा, ये बहुत खतरनाक है। और इसमें मैं सर एक उनकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के एमपी की, तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं तो कहा नहीं था, मुकर गए, कोई बात नहीं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं सज्जाद नोमानी, आप उनका बयान करें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको लड़ाके बता रहे हैं, अफगानियों को स्वागत कर रहे हैं, ये अफगानियों को नहीं करने हैं सर, मैं उस पर बाद में आऊंगा वहां के सोशल स्ट्रक्चर पर। और दूसरा, आज ही मैंने सवेरे पढ़ा, एक उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं जिनका आज से 2-3 साल पहले तक मैं भी बड़ा फैन था, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं मैं सर, कि मैं उनकी शायरी को बहुत सुनता था, मुनव्वर राना, आज उन्होंने तुलना कर दिया इनडायरेक्ट, वो ये कह रहे हैं कि मेरा मन, मेरा जी चाहता है कि मैं यूपी से भाग जाऊं। ये कहां जोड़ रहे हैं आप, कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबानी से दुखी होकर लोग परेशान होकर भाग रहे हैं, इसी प्रकार से जब आपने बात की ना सर, एक और की थी बात हिंदू और मुस्लिम को लेकर, एक हमारे यहाँ क्या है, एक परिवार चलता है सर कुछ सेलिब्रिटीज का, कि वो अपनी सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाती हैं। एक है हमारी प्रसिद्ध अभिनेत्री है स्वरा भास्कर, उन्होंने भी कहा है आज कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात तब तक अधूरी है जब तक कि आप हिंदू टेररिज्म की बात नहीं करते। अब मेरे को नहीं समझ आया कि अफगानिस्तान में कहां से हिंदू टेररिज्म आ गया। ये जो नैरेटिव है ना सर, ये नैरेटिव भारत के लिए, जो जिनकी बात अत्री साहब ने की या चमनलाल जी ने की या रोहतास जी ने की, वो एक्सटर्नल थ्रेट है। मेरा ये मानना है कि ये जो डिवीजन है ना इंडिया में, ये भारत के लिए उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
इसकी ओर हमें ध्यान देना होगा, बड़ा सजग होना होगा। एक बात, अब मैं आ सर कुछ एक दो और बातों पर। सबसे पहले मैं ले रहा हूं सर अत्री जी को। अत्री जी की बातों से मैं सहमत हूं लगभग। सर उसमें जोड़ना चाह रहा हूं एक दो बातें कि जैसे उन्होंने कहा कि मोदी जी अब जो है और एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। मेरा अत्री जी से एक सीधा प्रश्न है, और कौन सी अग्रेसिवनेस चाहिए आपको भैया? आपको जब जरूरत पड़ी आपने एयर स्ट्राइक भी किया, आपने हॉट परस्यूट भी किया, और इस समय हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में भी और कश्मीर से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये यदि अत्री जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अग्रेसिवनेस में लेंगे या इसको कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे, ये आप देखिए। धारा 370 को हटाना इसे आप किस श्रेणी में रखेंगे? प्रश्न सिंपल एक है कि जो वर्तमान सरकार है हमारी, उसके दो कंसर्न हैं। पहला, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता, नंबर एक। नंबर दो, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें जो भी, चाहे वो डिप्लोमेसी हो चाहे वार हो, वहां हम किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। इट इज सफिशियंट, क्योंकि इसके साथ साथ जैसे उन्होंने भी कहा था, एक और बात भी अच्छी कही थी डिप्लोमेसी की। यहां मैं आपको बता दूं सर कि हालांकि मैं समझता हूँ कि शायद कांग्रेस को वो बात नहीं कहनी चाहिए थी कि जब कांग्रेस प्रवक्ता ने कल ये कहा कि भारत सरकार ने अपने डेलीगेट जो है गुपचुप तरीके से दोहा भेजे थे, निश्चित रूप से भेजे थे, क्योंकि डिप्लोमेसी में जो हिडन डिप्लोमेसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय पब्लिक में लाने के। डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी में थोड़ा इतना अंतर तो आपको करना पड़ेगा कि राष्ट्रहित में कुछ बातें नहीं बताई जाती, और ये सही है। और यहाँ एक और बात मैं इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल जो है तालिबान के नेता पुराने करजई साहब से मिले हैं, हकमतयार से भी मिले हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से भी मिले हैं, और वो एक राष्ट्रीय सरकार बनाने की बात करें पोज कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने निकाल रहे हैं अपने, वो भारतीय डिप्लोमेसी के ही कारण संभव हो पाया है। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, एकदम आप एग्रेसिव नहीं हो सकते। और इसका एक प्रमाण देना चाह रहा हूं मैं अत्री जी आपके आर्गुमेंट के सपोर्ट में। एक्चुअली वो जो पहला बयान है तालिबान का, उनका ये कहा है उन्होंने कि कश्मीर जो है इट इज, वो तो माना है, वो नहीं कहा कि ये झगड़े का है, इन्होंने कहा कि इट इज ए भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है। वो अपने आप को उससे अलग कर रहे हैं, कहीं पर नहीं आ रहे हैं वो। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने जो इन्वेस्टमेंट की जिसकी बात अपने अत्री जी कर रहे थे, उसको भी उन्होंने कहा कि हम रखेंगे। तो अभी हमें वेट एंड वॉच, इसीलिए वेट एंड वॉच करना बहुत जरूरी है जो भारत सरकार कर रही है। एक चिमन राज जी की एक बात पर मैं आना चाह रहा था, बड़ा स्पेसिफिक थोड़ा सा पॉइंट करना चाह रहा था मैं आपको। चिमला जी, जब आपने कहा ना कि इनको कौन कौन देश तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, उसमें आपने चीन, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, इराक और यूएई का जिक्र किया है। थोड़ा सा मेरा सबमिशन है कि जब पहले बनी थी तालिबान की सरकार, तो सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करने वाला यूएई था, लेकिन आज का यूएई अभी एक कोई बयान उनका नहीं है कि रिकॉग्निशन देंगे। और ध्यान दीजिएगा आप, यूएई ही पहला मुस्लिम कंट्री है जिसका इजराइल से भी समझौता हो चुका है। तो अभी तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, जो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर विचार किया जाए। तालिबानियों को इस ढंग से प्रोजेक्ट किया जाए कि जैसे मान लो ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्स है और इसको सभी इस्लामिक कंट्रीज का सपोर्ट है, सिवाय कतर के अभी तक कोई नहीं आया है इनके साथ। क्योंकि जैसे शौरी जी ने कहा केपी मिश्रा को कोट करते हुए, सभी देशों का नेशनल इंटरेस्ट ही सर्वोपरि है,
तो इसको अभी हमें देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से सर जो ये कहा जा रहा है ना कि अमेरिका मत बनना, चिमलाज ने एक बात कही लास्ट में, बंधुवर मैं तो एक बात से समझ नहीं आ रहा, हम तो अमेरिका बनते जा रहे हैं, हम तो अपने बच्चों को अमेरिका भेज रहे हैं, अमेरिकी प्रभाव हम पर बहुत, तो इसलिए इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में लेना होगा हमें। इसी तरह से सर चिमला जी एक आपने बात कही जिससे मैं सहमत नहीं हो पाया कि जब आपने ये कहा कि भारत के पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं है, लेट मी कंप्लीट सर जी सर, और सुपर पावर से भी, देखिए वो जो संबंध है ना, बांग्लादेश है चाहे बर्मा है चाहे श्रीलंका है, इवन नेपाल के साथ भी झगड़े हैं, ये कह सकते हैं हम पहले जैसे अच्छे संबंध नहीं है, परंतु खराब भी नहीं है, वो सुधर रहे हैं। और उसके पीछे आपको भी पता है कि चीन एक बड़ी इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर रहा है और उसका हम मुकाबला उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल ना लगाएं आप कि हमारे रशिया से संबंध नहीं है या हमारे अमेरिका से नहीं है या बिगड़े हुए, इससे मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो पाया। हाँ एक और बात जो सर लास्ट में थोड़ी सी बात ले रहा हूं मैं जी, हाँ रोहतास जी ने कहा, रोहतास जी या भाषा पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, आपने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत को लताड़ सकता है, सर ये आप किस सन में बात कर रहे हैं? अब भारत एक ऐसा सशक्त देश अवश्य बन चुका है कि वो भारत वो देश है जो पाकिस्तान और चीन के साथ साथ चाहे तालिबानी भी आ जाएं, हम को वो लताड़ नहीं सकते, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए ये जो शब्दावली है ना सर, ये कहीं ना कहीं हमें वीक करती है, वो नहीं हमने करना है। ये आपकी बात सही है, मेरी बात को मानता हूं कि पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लेकिन रोहतास जी मैं आपसे ज्यादा, अत्री साहब की इस बात से ज्यादा सहमत हूं कि भारत से ज्यादा पाकिस्तान और चीन ज्यादा उन्होंने तो प्रभावित शब्द प्रयोग किया है, मैं उससे एक कदम आगे बढ़कर प्रयोग करूं सर दुष्प्रभावित, क्योंकि यदि तालिबान के रूप में फंडामेंटलिस्ट फोर्स बढ़ती हैं तो उसका सीधा इंपैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा ही पड़ेगा, पाकिस्तान की भी कट्टरपंथी तत्व ज्यादा सशक्त होंगे और पाकिस्तान में भी लोकतंत्र खतरे में आएगा, उसका प्रभाव आप जैसे अत्री जी ने कहा, मैं उनसे सहमत होते हुए कह रहा हूं कि चीन है वहां पर भी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात है, वो दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका प्रभाव वहां पर भी पड़ सकता है भारत की तुलना में। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। एक और अंत में बस केवल इतनी कह रहा हूं सर कि ये जो तालिबान है ये मुख्य रूप से पख्तून है, पठान है, जब यदि आप सोशियोलॉजिकली देखें तो ये 40% है अफगानिस्तान में, और तंगशीर में ऑलरेडी वहां पर विद्रोह हो चुका है, वहां की महिलाएं भी सड़कों पर आनी शुरू हो गई हैं। 5 दिन में जिस सरकार ने हथियारों के बल पर, शक्ति के बल पर, क्रूरता के बल पर, निर्ममता के बल पर सत्ता हथियाई हो, उसके विरुद्ध आंदोलन शुरू हो जाए, ये अपने आप में उसको अस्थिर करने वाली बात है। इसलिए हमें एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, बस मेरा केवल इतना अंत में कहना है कि हमें सबसे पहले भारत में इसका क्या प्रभाव है विशेषकर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से, उससे बचना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर, बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया है, और बाकी सब वक्ताओं पे भी आपने जो टिप्पणी की है, कमेंट्स किए हैं, वो वाकई अच्छे हैं। चिमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं आरके गुप्ता जी के साथ एक सबमिशन करना चाह रहा था। सर मेरा ये मतलब नहीं था कि भारत का अपने पड़ोसियों के साथ उस प्रकार के संबंध नहीं है जिस प्रकार भारत
सॉरी अमेरिका या दूसरे देश जो भारत का इस प्रकार समर्थन नहीं करते, जिस प्रकार चाइना जो है पाकिस्तान का समर्थन करता है, हर एक गलत एक्टिविटीज के लिए, हर एक अच्छी एक्टिविटीज के लिए हमेशा पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा हुआ है। लेकिन भारत के साथ ऐसा कोई भी हमारा पड़ोसी देश नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो इंटरनेशनल इश्यूज हो, चाहे वो आपके एक्सटर्नल इश्यूज हो, उन पर भारत का कोई भी पड़ोसी देश भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। सर, मेरा सबमिशन ये था सर। चिमनलाल जी, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा संभव भी नहीं है। क्या भारत अपनी भूमि किसी भी देश को प्रयोग करने के लिए दे सकता है? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें चाइना की सेना आ चुकी है, वो उस चक्कर में, रोड के चक्कर में। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को प्रयोग कर रहा है, उसको कर्जा दिए हुए है। तो इसलिए चीन के और पाकिस्तान के जो संबंध हैं, उस प्रकार के संबंध भारत के कभी भी ना हो सकते हैं, ना होने चाहिए। क्योंकि भारत ना तो साम्राज्यवादी नीतियों को बनाता है, उसका आधार ही दूसरा है। सर, नेपाल नेपाल देश भी भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ है। सर, नेपाल में इतने सारे डेवलपमेंट के काम भारत ने किए, भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन नेपाल भी जो है, हम समय समय पर देखते हैं कि नेपाल भी कहीं ना कहीं जो है वो चाइना के साथ झुक जाता है। सर, डॉक्टर चिमन, एक मिनट, कम्युनिस्ट सरकार थी वो बदल चुकी है, और आपको पता कि नेपाल हिंदू राष्ट्र से पंथनिरपेक्ष राज्य की ओर गया है, ये उसका कुछ। अशोक जी, आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा अपना इसी दो विचार चल रही है कि हम अफगानिस्तान से हटके अब परस्पर संबंधों की तरफ जा रहे हैं, तो एक लाइन में मैं कुछ कहना चाहूंगा। और तो आज के अगर बायलेटरल रिलेशन को भी देखा जाए ना, तो उसका तरीका भी बदल गया है। अगर हम 2000 से पहले के रिलेशन की बात करें भारत के पड़ोसियों के साथ, तो वो वैसे तो वन वे ही थे। भारत सब कुछ ठीक करता रहता था, जो ही भारत ने हाथ खींचे तो अपोजिशन में आ गए वो लोग। सेम इस बात का उदाहरण ये है कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने 20 साल किया कुछ, लेकिन जो ही अमेरिका जाने लगा तो अमेरिका उनका विरोधी हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज के समय में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नेचर है वो भी बदल गई है, ज्यादा रियलिस्टिक हो गई है, नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हावी है। और उस स्थिति में अगर हम बात करें कि 2000 और विशेष रूप से 2014 के बाद या मोदी काल के बाद जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी है, वो अब केवल देने देने पर निर्भर नहीं है। रियलिस्टिक वे आ गया कि भाई वो हमारा दोस्त है जो परस्पर सहयोगी या बराबरी के दर्जे के हिसाब से बात करेगा, ये नहीं कि हम देते रहे हम ठीक है और अगर हम अपने इंटरेस्ट को छूते रहे तो आप हमारे साथ खड़े नहीं। और तीसरी बात, एक और बात कहना चाहूंगा, ये मेरा अपना विचार है, ये कहना कि इंडिया के साथ अभी कोई नहीं खड़ा, ये भी शायद सही नहीं है। पीछे लेटेस्ट आपको ध्यान होगा, यूएन की किसी एजेंसी में इलेक्शन हुआ था, भारत एक तरफा मेजोरिटी से जीता है, और ये कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसी की एक बदलते हुए स्वरूप की कहानी है। तो प्लीज, मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों को देखा जाए, हम केवल इस नजरिए से ना देखें कि पहले वो ठीक होते थे। मेरा ये मानना है कि पहले वो ठीक इसलिए होते थे कि भारत देता देता था, अब भारत उनसे चाहता भी है, भाई दे रहा हूं तो कम से कम आप हमारे साथ खड़े तो हों, और नहीं खड़े होंगे तो हमारा, हम केवल आदर्श नहीं रहेंगे, हम रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करेंगे। धन्यवाद। अच्छा विश्लेषण है डॉक्टर साहब आपका, बहुत अच्छा। थैंक यू अत्रि सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो जी, जी हाँ रोहतास जी, मैं आरके गुप्ता जी को प्रणाम करते हुए, जो इन्होंने एक बात कही मुनावर राणा साहब के बारे में, उसके संदर्भ में मेरे दिमाग में एक निष्कर्ष निकल के आता है कि अब धर्मनिरपेक्षता का युग नहीं रहा है, अब अपनी अपनी नाव में सवार होने का वक्त आ गया है। जी, ये बात हम जितने पहले पहचान ले, जितने पहले अपनी नाव में सवार हो जाएं, उतना ही भारत के हित में रहेगा।
जी वरना हिंदू मुस्लिम दो आंखें और फिर बंटवारा और फिर बंटवारा और फिर बंटवारा फिर बंटवारा, ये बहुत अलग स्थिति होती जा रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ये भी एक पक्ष है, इसको भी हम देखेंगे। अब किसी और की कोई बात है तो अगर कोई शेयर करना चाहता है। यस, एक मिनट गुप्ता जी, किसी और, एनीवन एल्स? हेलो जी जी हेलो जी हेलो, प्लीज प्लीज हेलो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बाला साहब बैरागी जी, यस यस यस, प्लीज प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सर फर्स्ट एंड शेयर। यस, मैं नासिक से, महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र से बाला साहब बैरागी बोल रहा हूँ, डॉक्टर बाला साहब बैरागी। एक आज को ये जो समस्या और ये जो सेमिनार का जो सब्जेक्ट बना है वो तालिबान का अफगानिस्तान की ओर जो प्रभाव हो रहा है उसका भारत की ओर कैसा प्रभाव होगा, भारत की ओर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। जी जी, 1914 में पहला जो जागतिक महायुद्ध हुआ तभी जो मुस्लिम राष्ट्र थे ये आपस में लड़े, आपस में एक दूसरे के साथी बने, बाद में एक दूसरे के शत्रु बने और एक दूसरे को काटने में अंत में उनका हल समाप्त हो गया। आज की परिस्थिति शायद वैसी है क्योंकि अफगानिस्तान यदि तालिबान की ओर से, तालिबान ये उसका एक चेहरा बन चुका है लेकिन उसकी जो सरकार है, उसका जो अंदर की बात है, जो मिलिट्री है, अमेरिका का संबंध है, ये सब नजरिया के देखने से हमें ये पता चलेगा कि आज जो तालिबानी कर रहे हैं इसके ओर केवल तालिबान का उसका खुद का झंडा नहीं है, उसके झंडे के वो किसी के आधार से ये सब बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आज रशिया का जो रवैया है, रशिया ने उसको जो अंदर से प्रोटेक्शन दिया है, इसकी वजह से अमेरिका और रशिया ये दोनों सत्ताधारी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटने के लिए, लोहा लोहे को काटने के लिए तैयार है। उसमें चाइना जैसा एक जो देश है जो भारत से हमेशा नफरत करने के, भारत को मिटाने की भाषा कर रहा है और उसे पाकिस्तान का आधार ले रहा है। मैं ये अलग अलग बात ऐसे बता रहा हूँ कि आज की स्थिति, भारत की जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र का जो उदय हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की जागतिक स्तर पर जो आज का उसका स्तर बना है, ये नीचे दिखाने के लिए चाइना को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन इसका सीधा सांस्कृतिक असर हमारे ओर हो रहा है। हमारा हिंदू राष्ट्र, अभी एक वक्ता ने बोला कि जिसकी अभी नाव में चलना चाहिए, इसका मतलब ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र अपने इंडिया में जो मुस्लिम लोग हैं उनको तो लताड़ते नहीं है। बात ऐसी है, ये सब धर्म निरपेक्ष बात है, तो भी आजकल ये जो सब कुछ चल रहा है इसके ऊपर जो अभी गुप्ता जी बोले कि इसकी ओर अलग रवैये से देखना चाहिए, इसकी ओर कुछ जागतिक स्तर से देखना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जागतिक स्तर के अलावा आज हिंदू मुस्लिम जो इंडिया के हैं, तो इंडिया के जो मुस्लिम हैं जो इसमें सारे के सारे मुस्लिम वो कट्टरवादी नहीं है, तो उनमें से जो समाजवादी है, उनमें जो देश के प्रति लगाव है, ऐसे लोग हमारे विचारधारा में आ सकते हैं। बात दूसरी ऐसे है कि आपने बोला था कि इंडिया ने अफगानिस्तान में तीन बड़ी बड़ी ये मदद की है, सलमा डैम हो, हाँ, पार्लियामेंट भवन हो, ईरान तक जोड़ने वाला हाईवे हो, ये तीनों बात आज जो तालिबानी है इसमें से कोई कट्टर विचारपंथी, असली विचारपंथी, सनातन विचार रखने वाले कोई लोग उसमें है, वो भी इसका विचार करेंगे और भारत के ऊपर इसका सीधा ज्यादा असर नहीं होने वाला। इसका असर जो है चाइना और पाकिस्तान, जहां युद्ध खेला जाता है, युद्ध की भूमि होती है, उसपे ऊपर ज्यादा असर होगा, हमारे ऊपर ज्यादा उसका असर होने वाला नहीं, ऐसा मैं आशा रखता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। बात दूसरी ऐसी है, आज जब से पिछले 20 सालों का इतिहास तुम देखोगे तो अमेरिका का जो अलग लगाव था ईरान के प्रति हो, इराक के प्रति हो, अभी अफगानिस्तान के प्रति हो, ये केवल एक सत्ता पिपासु वृत्ति जैसी है, लेकिन इंडिया तो आज तक ऐसे सत्ता पिपासु वृत्ति से नहीं रहा है। इसकी वजह से आगे चलकर ज्यादा प्रभाव
हमारे देश के और बड़े भारत के और बड़े, ऐसा मुझे नहीं लगता। इस विचार के साथ मैं अपना समापन करता हूँ। मुझे बोलने की जो इजाजत मिली उसे मैं सभी का आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। बाला साहब, ये आपका अधिकार था, ये इजाजत वाली बात नहीं थी। नहीं, ऐसे नहीं है, जैसे ये सुनो। परिचर्चा है। देखिए, हम लोग हाँ अगर हम लोग ही बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ अंदर से हम सभी परेशान हैं, लेकिन बिल्कुल। आपस में बात करने के लिए तैयार ना हो तो फिर तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन नहीं अच्छी नहीं बात है, जब आपने बहुत सही कही है। और मुझे नहीं पता कि हिंदू राष्ट्र के प्रति इतनी नकारात्मक वृत्ति क्यों, नैरेटिव क्यों डिजाइन किया जाता है। हिंदू राष्ट्र में क्या ऐसा हो जाएगा कि भाई नहीं बाकियों के साथ अनाचार हो जाएगा? सुनो, इसके और मैं थोड़ा सा थोड़ा बोलना चाहूंगा। 711 से जब गजनी ने हिंदुस्तान में प्रवेश किया था, तभी से हिंदू के बारे में उसके मन में विष ही विष था। ये विष आगे चलकर, आगे जो पीढ़ियां बनी, जो चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, जो भी मुस्लिम राष्ट्र है, उनके प्रति, भारत के प्रति, भारत के प्रति ऐसा इतना जहर फैलाया गया कि हिंदू राष्ट्र हमारा कट्टर दुश्मन जैसे लोग, इन्हों लोगों हाँ, ने प्रेजेंट किया है। यही डॉक्टर साहब, यही एक नैरेटिव डिजाइन किया गया है कि भी स्वनिंदा या हिंदू की निंदा और बाकी सब प्रशंसा। लेकिन अभी हमारे साथ श्री विनोद कुमार मान जी, ही हैज रेज्ड हिज हैंड, सो आई रिक्वेस्ट हिम टू शेयर हिज व्यूज। नमस्कार, मैं डॉक्टर नमस्कार। विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेएसडी कॉलेज कैथल। तो बहुत सारे जी जी जो सर, मेरे सीनियर वक्ताओं ने यहाँ बातचीत की और उससे कुछ समझ बनाने का प्रयास हम भी करेंगे। और ये मुझे ये समझ में आता है कि जैसे ट्रेडिशनली जो वार का तरीका होता है तो अधिकतर बात वही हो रही है जो कन्वेंशनल वार होती है। चाइना और चाइना पाकिस्तान मिलकर इंडिया को डराएंगे तालिबान, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये मल्टी डायमेंशन लगता है। तो पहली बात तो ये कि ये ट्रेडिशनली नहीं है, ये नॉन ट्रेडिशनल वार हो सकता है। इसमें पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को भी डरने की जरूरत है। इसमें जो मुस्लिम कंट्री है उनको भी डरने की जरूरत है। मुस्लिम कंट्री का एंगल ये हो सकता है कि तालिबान अपने आप में कहीं एक फंडामेंटली पूरी बड़ी पावर ना बन जाए। दूसरा, चाइना को वही अगर मुसलमान है उनके रवैये के प्रति भी डरने की जरूरत है, इंडिया को भी डरने की जरूरत है। और एक कंसेप्चुअली अगर हम देखें तो जैसे साम्यवाद है, साम्यवाद को सीधे तौर पे कितना साम्यवाद चाइना में है, कितना सोवियत संघ में, अभी आज के जो रूस में है उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन साम्यवाद का और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का या किसी भी तरह के धर्म के एक्सट्रीमिज्म का एक सीधा सीधा सा आपस में टकराव रहा है। तो खाली हमें डरने या हमें पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमें पॉलिसी के लिहाज से जैसे चाइना ने प्रयास किया है वो प्रयास हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, बेशक उस तरीके से सुपर डॉक्टर पावर साहब थोड़ा जोर से बोलें प्लीज। हाँ, जैसे चाइना ने एक तरीका अपनाया है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, और आप तालिबान से कहा कि अपनी जमीन को हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं देंगे। तो भारत भी उस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से काम करना चाहिए। सीधा सा ये ट्रेडिशनली या फिर हम एक कन्वेंशनल वार की हम बात करेंगे तो उससे तालिबान भी पैनिक में होगा और हम भी पैनिक में होंगे। तो अकेले हमारे लिए चिंता है ऐसा नहीं है। अब नॉन ट्रेडिशनल चीजें आप देखो, उसमें साइबर सिक्योरिटी भी आती है, पायरेसी भी आती है, उसमें बहुत सारी और चीजें भी आती हैं। तो मल्टी डायमेंशनली और नॉन कन्वेंशनली ये सभी देशों को प्रभावित करेगा, और खासकर जो उसकी आसपास के करंट कंट्री हैं तो उसमें रशिया आता है। रशिया ने सपोर्ट किया होगा पहले, लेकिन 1980 के दशक में जब रशिया वहां प्रयास कर रहा था तो वहां अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। तो सपोर्ट करने का ये बैलेंस ऑफ पावर कंसेप्ट भी इसमें जुड़ जाएगा साथ साथ में। और उसके अलावा जो बायलैटरल हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होंगी, वो बाकी और वक्ता भी इसमें चर्चा कर चुके हैं। लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए। डिप्लोमेटिक तरीके से हम कश्मीर का मुद्दा उस तरीके से रख सकते हैं कि बाकी अन्य देश जैसे कह रहे हैं कि उनकी जमीन को इस्तेमाल ना किया जाए, तो हम भी एक आसान भाषा में ये समझा सकते हैं कि हमारा जो कश्मीर का हिस्सा है वो संवेदनशील रहा है और उसको किसी भी तरह के टेररिज्म के लिए सपोर्ट वहां से ना मिले। और हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर
डेमोक्रेसी के बारे में बात हो जाए या फिर उस तरीके से उस देश में हमारे विकास कार्यों में हो, तो हमें उस देश के लोग कैसी सरकार बना रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो यूनिटी को बचाए रखने के लिए हो। इस तरह की डिप्लोमेटिक बातचीत हम जारी रख सकते हैं जैसे चाइना रखे हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक ये तालिबान चाइना के लिए सही रहेगा या फिर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए सही रहेगा या फिर इस्लामिक अलग अलग धड़ों के लिए सही रहेगा या फिर कहीं साम्यवाद के लिए सही रहेगा। तो हमें पैनिक नहीं लेना चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से इस चीज को सहज होने देना चाहिए। थैंक यू। जी जी विनोद जी, बड़ी अच्छी आपने बात कही है। हम लोग पैनिक में तो नहीं है, लेकिन हमें चिंता जरूर है और अपना अपनी आइडेंटिटी पे सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि आफ्टर ऑल हम क्या हैं। मतलब आपके चारों ओर कंट्रीज इस तरह से अपने को डिफाइन कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को वो डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की आइडेंटिटी क्या है? ये वो चिंता हो जाती है कि कल को आने वाले कल में कुछ भी हो सकता है। अगर डेमोग्राफिक चेंजेस आ जाती हैं, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है किसी भी रूप में, तो आप कहाँ होंगे? तो ये थोड़ा विचार करने की बात है। और निश्चित रूप से जो कुछ घटता है उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि मीडिया जो है वो वायलेंस मेरे ड्राइंग रूम तक, मेरे बेडरूम तक ले आया है। अन्यथा मुझे कोई चिंता नहीं थी कि भी वहाँ क्या होता है और क्या नहीं होता, और लेकिन अब चिंता होने लगी है क्योंकि मीडिया ने चिंता में डाल दिया आदमी को। उसके पास समाधान तो कोई होता नहीं है और ऐसी बेसिर पैर की वो बहसें करवाते हैं कि जो आपको जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एज एन इंडियन एंड एज ए हिंदू आई मस्ट थिंक अबाउट इट एंड आई मस्ट ट्राई टू डिफाइन माई परस्पेक्टिव एंड माई आइडेंटिटी टू। This is my submission. But anyway, जी रविंदर जी, बस एक दो बात कहना चाह रहा था मैं आपसे। जी जो अभी डॉक्टर वैरागी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, एक सांस्कृतिक अवधारणा की, और उस संदर्भ में मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस हिंदू बनाम मुसलमान या भारतीय की बहस में इस समय नहीं आ रहा हूँ। केवल हमारे जो ये जो कुछ जहां से मैंने शुरू किया था अपनी बात, असल में क्या है सर कि हमने एक बस सिर्फ दो श्लोक से अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूँ सर मैं, बस उनको हम याद कर लें तो हमारा भारत देश को कोई चिंता नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक जो है क्लेबे मासम गमे, कि हे अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो तुझमें, हाँ जी, हे परंतु हृदय की तुझ दुर्लभता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये है हमारा सांस्कृतिक परिवेश कि जहां जी, जी। और इसको वो किसके लिए कह रहे हैं? युद्ध के लिए, यहाँ सर गलत ना लें आप। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध की बात कर रहे हैं, वो उसने बात कर रहे हैं धर्म युद्ध की, जिसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया अध्याय दूसरे कही 31वें श्लोक में, जब उन्होंने कहा कि स्वधर्म भी चावेक्ष न विकम्पते हर्षे, जिसमें उन्होंने कहा ना क्योंकि क्षत्रिय के धर्म युद्ध धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इस यहाँ पर सर सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जो सांप्रदायिकता है उसके विरुद्ध भी जो लड़ाई है वो भी हमारे लिए कल्याणकारी है, वो चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, हमें उसका मुकाबला हरेक धरातल पर करना हुआ। क्योंकि भारत जो है, मैं उस बहस में इसलिए नहीं आना चाह रहा हूँ, हिंदू का अर्थ क्या है इसको ये नहीं मालूम है। हिंदू तो अपने हिंदू यदि मैं हूं ना जी, मैं तो एक बात कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी जब कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसका अर्थ ये नहीं था कि वो दूसरों को भयभीत करना, ये है कि वो व्यक्ति अभय है, वो निर्भीक है, लेकिन वो तामसिक प्रवृत्ति का नहीं है। चलिए ये तो बात ठीक है, हालांकि मैं तो इस चीज को भी नहीं, मैं तो केवल इतना मानता हूँ कि हु द वन हु एक्नॉलेजेस द लैंड बिटवीन हिमालय एंड द हिंद महासागर ही इज हिंदू, सो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चलिए हमारे साथ श्री अजय भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। इस सारी डिस्कशन को हम जल्दी अब रैप अप करेंगे, लेकिन उससे पहले अजय भारद्वाज जी जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं चंडीगढ़ से, मैंने अभी उनको ज्वाइन करते हुए देखा था। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? अजय जी
नमस्कार नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, और अगर आप अपने दर्शन भी करा दें तो इट विल बी वंडरफुल. सो हाउ डू यू सी दिस एज अ जर्नलिस्ट, हाउ डू यू? आवाज क्लियर नहीं सर. अब आ रही है क्लियर? हाँ जी अब ठीक है. मेरा सिर्फ मैं क्योंकि पहले वक्ताओं को सुन नहीं पाया हूँ और ना ही मुख्य को सुन पाया हूँ, लेकिन जो मेरा मानना है कि ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर डेवलपमेंट है, और ये हमारे लिए नाते तो एक थ्रेट है ही, लेकिन हमारी नेशन को एक बहुत बड़ी थ्रेट के रूप में आने वाला है. इससे के दो पक्ष हैं, मैं आपके सामने संक्षिप्त में रखना चाहूंगा. एक सबसे बड़ा पक्ष ये है कि इन तालिबान को चाइना ने पूरी सपोर्ट दी है, आज तक कभी नहीं चाइना के साथ जुड़े, या तो पहले रशिया जुड़ता था या अमेरिका जुड़ता था. अमेरिका इसलिए जुड़ा था क्योंकि रशिया को निकालना चाहता था इन अर्ली 80s, और बाद में तालिबान जो थे वो मुस्लिम कंट्रीज की हेल्प से थोड़ा बहुत चलते रहे, लेकिन अमेरिका ने इनको काफी देर पीछे दबाए रखा. अब इनको पूरी मदद दे रहा है, और हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना के साथ हमारे संबंध जो है वो बहुत मधुर नहीं है. चाइना की जो आंख है हमारे ऊपर वो बड़ी स्पष्ट है, वो अब से नहीं पिछले हम 4-5 साल से देख रहे हैं, और अब तालिबान हो जाएंगे उसी स्तर पे उसके प्रोत्साहन से उनको देगा, तो हमें थोड़ा बहुत इस चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जो आतंकवाद है, मुस्लिम टेररिज्म, जो शायद थोड़ा सा अभी दबा हुआ था, आप देख रहे हैं कि J&K में भी इतना वायलेंस नहीं है, मतलब काफी कंट्रोल में रही है स्थिति, और J&K पर्टिकुलरली इज गोइंग टू बी द वेरी हॉट बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट्स अ मैटर ऑफ वेरी सीरियस कंसर्न. जी जी अच्छा जी आवाज बस धन्यवाद, इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ. ओके थैंक यू थैंक यू. और एज ए जर्नलिस्ट आपने ये जो अपना कंसर्न शेयर किया है वो वाकई मुझे लगता है कि वो बहुत जेन्युइन है, और हमें उसके बारे में विचार करना चाहिए. और जब मैं अपनी परंपरा की ओर देखता हूँ, क्योंकि मैं तो संस्कृत से ही संबंध रखता हूँ, तो अपने शास्त्रों को जब मैं देखता हूँ तो उनमें ये ही है कि एंटिसिपेट करना किसी भी राजा के लिए बाकी सिचुएशंस को बहुत जरूरी है. वो आप रघुवंश देख लीजिए, आप पंचतंत्र देख लीजिए, वो बार बार इसी बात पे इंसिस्ट करते हैं कि हर राजा को जो भी अथॉरिटी है वो हर सिचुएशन को एंटिसिपेट करने की कोशिश करे. अगर वो दूरदर्शी नहीं है तो वो राजा बहुत देर तक ना राज्य को चला पाएगा और ना अपना अस्तित्व बचा पाएगा. तो हालांकि हम लोग संस्कृत को पढ़ाते नहीं है, सोशल साइंसेस में उससे बचते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी विजडम की बातें हैं जो अगर देखी जाए तो बहुत कुछ उनसे सीखा जा सकता है. और बल्कि उसमें किस तरह से अपने प्रोटेक्ट बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है और किस तरह से एडवांस करना है और कौन से उपायों का प्रयोग करना है, हालांकि जब तक अंग्रेजी में ना कही जाए तो तब तक हम उसको मान्यता नहीं देते, बट इसमें दोष संस्कृत वालों का भी है कि उन्होंने कभी इस तरह का संवाद खोला ही नहीं सोशल साइंटिस्ट के साथ. तो खोले तो बहुत कुछ सामने उभर के आ सकता है और सोशल साइंसेस को हम रीडिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उस पर फिर कभी बातचीत करेंगे. तो फिलहाल अगर किसी और की कोई अंतिम बात है तो आप लोग अपनी बात शेयर कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर हम, क्योंकि समय सीमा की ओर अग्रसर है अपनी मर्यादा की ओर, तो हम फिर बात को यहीं पे पूरा करेंगे. और मैं मैडम नीलम जी जी सदानंद जी यस 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 आई वुड लाइक टू आई वाज थिंकिंग Shouldn't we be fearful? Shouldn't we as a nation which has suffered 2 times occupation by foreign forces, shouldn't we be fearful and alert and be ready for any eventuality
because the ruler has reached the palace, but using what methodology? And the ruler is with what in his hand? With what in his hand he has reached the palace, the center of power in Afghanistan? The methodology, the methodology and the instrument used to reach there. And one by one, if big powers, small powers, interim small powers, everything, medium small powers, if all of them are recognizing, recognizing what will happen to the dharma, what will happen to the morality of the international community, the sense of morality. One by one, very 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 powerful nations are recognizing, and after that they are backtracking. After that they are understanding that things are not all right. Why this sudden recognition? That is my question. Shouldn't we be fearful? Shouldn't we be ready to face any eventuality? That is my question. Okay, okay. Anyone wants to respond to this? And very briefly, because we will wind up this session now. And yet no country has recognized Taliban, number one. Secondly, European Union has come against Taliban. Thirdly, China and Russia are also in the League of India. And Sadananji is on one point is correctly said that we have to be ready to face any eventuality, and every nation should be prepared for that. That is a harsh reality, and we should accept this challenge. Ji, theek hai. Anyone else wants to make a comment, critical comment? इस बात पे एक मेरी भी लाइन है कि ये जो eventuality की बात है वेस्टर्न बॉर्डर से, ये तो कोर इशू है इंडियन सिक्योरिटी का. इसको हम डिनाई नहीं कर सकते जी. लेकिन हाँ, वर्तमान हालात जो हैं उस विचार करें तो अभी इतना हम आगे की शायद ना सोचे. हाँ, जो दिक्कत है जैसे आरके गुप्ता जी ने कहा था कि राइट प्लेटफॉर्म है, और कहीं ना कहीं हमारे इंटरनली कंसोलिडेशन की जरूरी है. जरूरत है बहुत. यस यस, आई रियली अप्रिशिएट दिस पॉइंट सर. आई रियली अप्रिशिएट. थैंक्स. एनीवन एल्स नहीं है तो आई विल इनवाइट मैडम नीलम टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स. अगर किसी का कोई सवाल है और तो प्लीज आप लोग शेयर कर सकते हैं. ओके, नो, ठीक है. इससे पहले कि मैं मैडम नीलम को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करूं, आप लोगों की सूचना के लिए मैंने लिंक जो है आपके सर्टिफिकेट के लिए इसमें शेयर कर दिया था, और आप लोग दोबारा भी उसको कर सकते हैं आपस में शेयर. उसको आप फिलअप कर दीजिएगा और प्रॉपरली प्लीज फिलअप कीजिएगा. कई बार फिर वो सर्टिफिकेट पहुँचते नहीं ही हैं, तो उसके बारे में बात करके. नाउ आई इन्वाइट प्रोफेसर नीलम to propose a vote of thanks on behalf of both the colleges. Thank you, sir. Sir, meri awaaz aa rahi hai? Ji, madam. Hello. Okay. Ji, 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 ji. Good afternoon to all. Main Neelam Dhillo, Department of Political Science, SD College, Ambala, Kent. Aaj ki is pre-charcha mein bhaag lene ke liye aap sabka dhanyawad karti hu. Aaj ka jo hamara topic raha hai, इम्पैक्ट इवेल्युएशन ऑफ तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान, बहुत ही ज्वलंत विषय है. आज चाहे हम सोशल मीडिया देख लें, प्रिंट मीडिया देख लें, न्यूज चैनल कुछ भी देख लें, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा मिलती है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान क्या कर रहा है, उसका आने वाले टाइम में क्या इफेक्ट पड़ेगा. और ये चीज होनी भी चाहिए, क्योंकि वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर तालिबान ने जो गवर्नमेंट बनाई है वो पब्लिक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है, वो एक टेररिस्ट गवर्नमेंट है. और टेररिस्ट गवर्नमेंट अगर किसी भी कंट्री में होगी तो उसका इफेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंसर्न्ड कंट्री के ऊपर ही पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा. अगर
आज पूरी दुनिया उस चीज को देख रही है, तो हमें उस चीज के बारे में सोचना भी चाहिए कि इस चीज का क्या सोल्यूशन निकलेगा। जो हम इम्पैक्ट इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि क्या उसका इफेक्ट होगा उस प्रॉब्लम से, अगर कोई प्रॉब्लम हमें होती है तो उस चीज का हमें क्या सोल्यूशन निकालना है। आज इस परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी वक्ताओं का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ RKSD कॉलेज का, जो ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर हैं इस डिस्कशन की, इसके साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इसमें भाग लिया, जिन्होंने अपने विचार इसके ऊपर रखे, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, और आशुतोष सर का स्पेशली, क्योंकि वो ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें देते हैं जहां हम ऐसी चीजों के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए मैं आशुतोष सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और SD कॉलेज अंबाला कैंट और RKSD कॉलेज कैथल की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज RKSD कॉलेज के स्टाफ को देखकर तो मुझे और भी ज्यादा खुशी हो गई, क्योंकि 8 साल पुराने अपने दिन याद आ गए। RK गुप्ता सर, आशुतोष सर और विनोद मान सर से तो खैर मैं यूनिवर्सिटी में मिली हूँ, तो आज आप सबको देखकर सर बहुत खुशी हो रही है। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर, ओवर टू आशुतोष सर। धन्यवाद मैम। मैं तो खुद ही उन ऑर्गेनाइजर्स में से हूँ, मेरे तो जानने की इच्छा रहती है, मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। मेरा काम तो आप लोगों को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में हैं, जिस एकेडमिक फील्ड में हैं, वहाँ पर जानने के अलावा और कुछ नहीं, निरंतर जानने की जिज्ञासा बनी रहे हम लोगों के भीतर। तो मुझे लगता है कि ये किसी भी टीचर को परिभाषित करेगा, जिज्ञासा खत्म हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी कठिनाई पैदा कर देती है। तो उसके लिए धन्यवाद तो आप लोगों का है, आप लोग सभी जुड़े, और जो लोग श्रोता रहे हैं, जिन्होंने धैर्यपूर्वक इन सब बातों को सुना है। हालांकि ये सारी बातें जो हम करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, इसका लक्ष्य मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं होता कि हम कोई अंतिम निष्कर्ष निकाल देंगे, कोई एक इस तरह का हम फॉर्मूला निकाल के दे देंगे और कल को सब कुछ ठीक हो जाएगा उससे, ऐसा कुछ नहीं होता। केवल हमारी समझ बढ़े, हमारी रुचियां जो हैं वो ज़्यादा रिफाइन हों, हम ज़्यादा बेहतर स्थितियों को समझ सकें और हमारा ज्ञान व्यापक और सूक्ष्म हो, इसलिए ये चर्चाएं आयोजित करनी पड़ती हैं। नहीं तो ठीक उसी तरह हमारी स्थिति हो जाती है जैसे जो कोला होता है, जब तक जलता है तो खूब सारा उसमें प्रकाश और गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर राख पड़ने लगती है। तो इसलिए राख उड़ानी जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि हम जो हैं चलते रहें, भीतर जिज्ञासा को लेकर के चलते रहें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं RKSD कॉलेज कैथल के प्राचार्य महोदय, उनके और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर CV सैनी जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ डॉक्टर चिमनलाल जी का, मैडम नीलम का, और सभी जितने भी बंधु हैं जिन्होंने ज्ञान में रुचि रखी है। आप सभी लोग मेरे लिए आदर योग्य हैं, और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, और जल्दी ही दोबारा किसी अन्य विषय पर हम बातचीत करने के लिए इकट्ठे होंगे, और कोशिश करें कि इंटरडिसिप्लिनरी चर्चा करने के लिए हम अपने को तैयार कर सकें। और हो सकता है निकट भविष्य में हम अगली बार जो है वो चर्चा का विषय रखें कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, उसके बीच में दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है इंटरडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन। तो निकट भविष्य में हम उस पर भी चर्चा रखेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि वो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं, और उनसे क्या अभिप्राय है, और उनसे हम किस तरह के भविष्य की कामना करते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिएगा, और किसी को कोई कठिनाई हो तो वो हमारे साथ बात करें। फॉर्म के लिए लिंक दे दीजिए। I will share the link again. मैडम, can you share the link again? उसमें से कर देते हैं, अभी कर देते हैं, और रिकॉर्डिंग आप प्लीज बंद कर दीजिए। एक बार रिकॉर्डिंग बंद करके उसके बाद आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोग जुड़े। नमस्ते सर। नमस्कार गुप्ता जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्कार नाला साहब, बैरागी जी। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है। नमस्कार। धन्यवाद सभी का। बहुत दिनों के बाद हमारी बातचीत हो रही है।